क्रिया और ये सिद्ध हो जाना बिल्कुल आसान है। रत्न संपत्ति की स्वामित्व हो जाएगी। अगर वो ये सिद्ध न कर सके तो उसके लिए कोई चारा नहीं था। रतन को ये सिद्ध करना था कि संपत्ति के मालिक वही है, वकील साहब के लिए कोई वसीयतनामा नहीं लिखा था। संपत्ति के मालिक सिद्ध होने के लिए सर के बहुत वकीलों के पास जाना शुरू कर देती है। अब आगे रतन लौट आई, उसने ये निश्चय किया जो कुछ मेरा नहीं है। क्या दिक्कत है ऐसे क्या है? क्लास में बैठना है तरीके से बैठ जाए, दरवाजे को खुला रखे, बाहर चला जाए, चुपचाप बैठा रहे, चपरासी थोड़े ही रहे क्लास। उसने निश्चय किया कि जो कुछ मेरा नहीं है उसे लेने के लिए मैं झूठ का आश्रय लूंगी, किसी तरह नहीं मगर ऐसा कानून बनाया उसने। समस्या क्या है, दिक्कत क्या है, परेशान कौन, तो बोल क्यों रहे हो, या दिमाग काम ही नहीं कर रहा है क्यों? दिन भर रतन चिंता में डूबी मौन बैठी रही। इतने दिनों वो अपने को इस घर की स्वामी समझती रही। वकील साहब जब तक जिंदा थे घर की स्वामी समझ रही है, लेकिन मणिभूषण सारी संपत्ति हड़प गया, छीन के ले ली उसने और उसकी संपत्ति की स्वामी उसको घर बार छोड़ के संपत्ति छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गया। कितनी बड़ी भूल थी पति के जीवन में, जो लोग उसका मुंह ताकते थे वे आज उसके भाग्य के विधाता होंगे। जब तक पति बैठे थे तब तक वो मुंह ताकते थे, घर भी नहीं आते थे, आज उसके भाग्य का निर्माण करने वाले होते थे। रतन को से की कमी नहीं थी, आज वही रतन रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गई, दो वक्त के लिए भोजन भी नहीं मिलना। ये घोर अपमान रतन जैसी माने मिस्त्री के लिए बस आया था। माना कोई कमाई पंडित जी की थी पर यह तो गांव उसी ने खरीदा था, उसमें से कई मकान तो उसके सामने बने। उसने ये एक क्षण के लिए भी ना ख्याल किया था कि एक दिन ये जायदाद मेरी जीविका का आधार होगी, यानी ये संपत्ति जायदाद जो थी वकील साहब के लिए निर्धारण की गई वही उसकी जीविका रोजी रोटी के लिए आधार होगी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, इतनी भविष्य चिंता वो कर ही नहीं सकती थी। उसे इस जायदाद के खरीदने में उसके संवारने और सजाने में वही आनंद आता था जो माता अपनी संतान को भक्ति भूल से देख कर पाती थी। उसमें स्वार्थ का भाव न था, केवल अपने पन का गर्व था, वही ममता थी। पर पति की आंखें बंद होते ही उसके पाले और गोद के खिलाए बालक भी उसकी गोद से छीन दिए गए। यानी जो संपत्ति उसने पाली थी, बालक तो नहीं था किसी प्रकार का उसके, लेकिन जो संपत्ति की मालिक थी, जो संपत्ति पाली थी, पति के स्वर्गवास होते ही आंखें बंद करके सारी संपत्ति उसे छीन दी गई थी। और उसको ऐसा एहसास हो रहा है जैसे किसी ने उसके गोद का बालक छीन दिया। उसका हम पर कोई अधिकार नहीं, अगर वह जानती कि एक दिन वह कठिन समस्या के सामने आएगी तो उसे चाहे रुपये को लुटा देती या दान कर देती, पर संपत्ति की कील अपनी छाती पर न गाड़ती। ऐसा एहसास होता कि एक दिन कठिन समय आएगा, ये साम्राज्य उसके लिए खुद के लिए पतन का आधार बन जाएगा, तो एक कील भी नहीं देती। पंडित जी के ऐसे कौन, पंडित जी की ऐसी कौन बहुत बड़ी आमदनी थी, क्या घर में वो शिमले न जा सकती थी, क्या दो चार और नौकर न रखे जा सकते थे, अगर वो गहने ही न बनवाती तो एक एक मकान के मूल्य का एक एक गहना बनवा सकती थी, पर उसने इन बातों को कभी उचित सीमा से आगे न बढ़ने दिया। केवल यही स्वप्न देखने के लिए यही स्वप्न उसके सिवा और था ही क्या, जो कल उसका था उसकी और आज आंखें उठाकर वह नहीं देख सकती थी। कल उसकी संपत्ति थी, आज उसकी आंखें उठाकर भी अपनी संपत्ति की ओर नहीं देख सकती थी। ऐसी सारी चीजें किसने कर दी है, मणिभूषण ने, भ्रष्टाचार करके धोखाधड़ी करके सारी संपत्ति का क्या बन गया है, मालिक बन गया। कितना मांगा था स्वप्न, हाँ वो अनाथिनी थी, अपने घर के अंदर क्या थी, अनाथिनी, इसके आगे पीछे कोई नहीं था। कल तक दूसरों को भीख देती थी, आज उसे खुद भीख मांगनी पड़ेगी। कल तक दूसरे लोगों को भीख देनी पड़ रही थी, लेकिन वकील साहब के स्वर्गवास के बाद उसकी ऐसी स्थिति आ गई है, दो रोटी वक्त की रोटी के लिए गुजारा चलाने के लिए भी क्या मांगनी पड़ रही है, भीख मांगनी पड़ रही है। ऐसी स्थितियों के बावजूद भी रतन से रतन और जालपा लगातार पत्र व्यवहार करती है, लेकिन उस पत्र के अंदर कभी भी वो अपनी स्थितियों के बारे में वर्णन नहीं करती। और कोई आश्रय नहीं था, पहले भी वतन कना के लिए ब्रह्म सत्य को स्वामी समझ रही थी, अब वह ये भ्रम सारा ही नहीं रहा।
सरसा उसके विचारों ने पलटा कहा, मैं क्या अपने को अनाथ नहीं समझ रही हूँ? क्या दूसरों के लिए द्वार पर भीख मांगू? संसार में लाखों स्त्रियां मेहनत मजदूरी करके जीवन का निर्वाह करती है। ऐसे लाखों उदाहरण है, महिलाएं अपने जीवन का निर्वाह के लिए, आजीविका के लिए मेहनत मजदूरी करती है। तो भीख मांगना उचित न समझती है, मेहनत मजदूरी करके अपना निर्वाह करना चाहती है। क्या मैं कोई काम नहीं कर सकती? मैं कपड़ा क्या नहीं सी सकती? ऐसी चीज छोटी मोटी दुकान नहीं रख सकती? लड़के भी पढ़ा सकती हूँ, यही तो होगा लोग हंसेंगे, मगर मुझे हंसी की परवाह, हंसी की क्या परवाह? मेरी कोई हंसी नहीं है, अपने समाज की हंसी है, उसकी कोई चिंता नहीं है। एक प्रवाह, प्रवाह शब्द दो प्रकार के होते हैं। ये प्रवाह नदी के बहाव के लिए आता है, प्रवाह पर ही होता है, परवाह यानी चिंता। वो कह रही है कि संसार के लोग कुछ भी कहेंगे, हंसेंगे, उसकी मेरे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। इस प्रवाह का होता है बहाव, नदी के बहाव को, धारा को कहते हैं प्रवाह। वो अपने बारे में कहती है, या तो कपड़े सी लूंगी या बच्चों को पटा के अपने रोजी रोटी का आधार बना लूंगी, लेकिन भीख नहीं मांगूंगी। शाम को द्वार पर के ठेले वाले आ गए। मणिभूषण ने आकर कहा, चाची जी आप जो जो चीज कहें लदवा कर भेजवा दो, मैंने मकान ठीक कर लिया है। जो कोठी थी वकील साहब की, बंगला था, उसको बेच दिया है। आप जो जो सामान रखना चाहे वो ले लो, मैंने आपके लिए मकान ठीक कर दिया है, ये मकान छोड़ के जाना पड़ेगा। रत्न ने कहा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, न तो मेरे लिए मकान दो, जिस चीज पर मेरा कोई अधिकार नहीं है वो मैं हाथ में नहीं छू सकती। स्वाभिमानी व्यक्ति कह सकते हैं, जो चीज मेरी नहीं है उसको मैं छूंगी भी नहीं, और तुम्हें कोई मकान बनाने की जरूरत नहीं। मैं अपने घर से कुछ लेकर नहीं आई थी, इसी तरह लौट जाऊंगी। कुछ लेकर भी नहीं आई थी, खाली हाथ आई थी, खाली हाथ लौट जाऊंगी। मणिभूषण ने लज्जित होकर कहा, आपका सब कुछ है, ये आप कैसे कहती है कि आपका कोई अधिकार नहीं? आपको मकान देख ले, 15 रुपए किराया है, मैं तो समझता हूँ आपको कोई कष्ट न होगा, जो जो चीज आप कहीं मैं वहां पहुंचा दूँ। 15 रुपए किराया है, आपको वहां पर कोई तकलीफ नहीं होगी। उस मकान को छोड़ने के लिए कह रहा, दूसरा मकान देखा मणिभूषण ने, कितने किराया का? 15 रुपए महीने का किराया। रतन ने व्यंग्य में आंखों से देखकर कहा, तुमने 15 रुपए का मकान मेरे लिए व्यर्थ लिया। इतना बड़ा मकान लेकर मैं क्या करूंगी? मेरे लिए एक कोठी का भी है जो 2 रुपए में मिल जाएगी। व्यंग्य के लिए कह रही कि 2 रुपए की कोठी है वो भी अच्छी मिल रही है। सोने के लिए जमीन है, दया का बोझ सिर पर जितना कम हो उतना ही अच्छा है। यानी किसी की दया का पात्र बनना, बोझ करना सिर पर कम हो जाए कोई अच्छी चीज है। मणिभूषण ने बड़े विनम्र भाव से कहा, आखिर आप चाहती क्या है? उसे कहिए तो रतन होते की धोकर बोली, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं इस घर का तिनका भी अपने साथ में ले जाऊंगी। वो ये कहना चाहती है कि मैं घर का एक तिनका, छोटी चीज भी अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी, और यहाँ से जाना चाहती है। जिस चीज में मेरा कोई अधिकार नहीं वो मेरे लिए वैसी है जैसे किसी और आदमी की चीज। मैं दया की भिखारी न बनूंगी, यानी किसी के दया का आधार नहीं बनूंगी। जो चीज मेरी नहीं है मैं उसको लेके नहीं जाना चाहती, अपने स्वाभिमान के बारे में इंगित कर रही हूँ। तुम इन चीजों के अधिकारी हो और ले जाओ, मैं जरा भी बुरा नहीं मानती। दया की चीज न जबरदस्ती ली जा सकती थी, न जबरदस्ती ली जा सकती थी। संसार में हजारों विधवाएं जो मेहनत मजदूरी करके अपना दिमाग कर रही है। यानी प्रेमचंद विधवाओं के जीवन के बारे में बताना चाह रहा है कि जब तक पति था तब तक उसके जीवन में ऐसमोल थी, किसी प्रकार की कमी नहीं थी, पर विधवा होते ही वो अपने घर के अंदर क्या बन गई है? अभागिनी बन गई, अनाथिनी बन गई। उसको 2 रुपए की रोजी रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। विधवा जीवन के बारे में प्रेमचंद बताने मैं भी वैसे ही हूँ, मैं भी उसी तरह मजदूरी करूंगी, अगर ना कर सकूंगी तो किसी गड्ढे में डूब मरूंगी। अगर आपके मजदूरी जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं मिला तो आत्महत्या करके डूब भी मरूंगी, लेकिन किसी के आगे हाथ पसारना, हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं। जो अपना पेट भी ना पाल सके उसे जीते रहने का, उसे जीते रहने का दूसरों का बोझ बनने का कोई हक नहीं है। उसको कोई अधिकार नहीं है जो अपना पेट नहीं पाल सके दूसरों के लिए बोझ बनने से, तो अच्छा है किसी गड्ढे में जाकर मर जाए। यही कहती हुई रतन घर से निकली और द्वार की ओर चली। मणिभूषण ने उसका रास्ता रोक कर, अगर आपकी इच्छा न हो तो मैं बंगला भी न बेचूं। रतन ने जलती हुई आंखों से उसकी ओर देखा, उसका चेहरा तंतुमय हुआ सा था। आंसुओं से मुड़ते हुए देख को रोक कर बोली, मैंने कह दिया इस घर की किसी चीज से मेरा नाता नहीं है, नाता रिश्ता। मैं किराए की लौंडी हूँ, लौंडी का घर से क्या संबंध है? न जाने किस पापी ने यह कानून बनाया था। अगर ईश्वर कहीं और हो और उसके यहाँ में न्याय होता तो एक दिन उसी के सामने उसे पापी से पूछूंगी। यानी भारत के अंदर भ्रष्टाचार और कानून के ऊपर भी प्रेम से की व्यंग्य करते हैं। क्या तेरे घर में माँ बहन न थी? तुझे उसका अपमान करते लज्जा न आई? अगर तेरी जबान में इतनी ताकत होती तो सारे देश में उसकी आवाज पहुंचती तो सब स्त्रियों से कहती, बहनों किसी सम्मिलित परिवार का विवाह मत करना, अगर करना तो जब तक अपना घर अलग न बना लो चैन की नींद मत सोना। ये परिवार की भारतीय परिवार की समस्या के बारे में हो रहा है। ये सम्मिलित परिवार संयुक्त परिवार के बारे में कटाक्ष कर रहा है। संयुक्त परिवार में जब महिला विधवा हो जाती है उसके ऊपर होने वाले
अत्याचार के बारे में प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि संपत्ति किसकी है सारी, संपत्ति किसकी थी, उसके पति की थी, लेकिन उसी संपत्ति के आगे वह सब क्या हो रही है, लाचार हो रही है, उसी को दो वक्त की रोटी के बारे में, सुख परिवार में विधवाओं की स्थिति के बारे में वर्णन कर रहा है। किसकी स्थिति, विधवाओं की स्थिति, अपने घर के अंदर अपने संपत्ति के अंदर वो अनाथनीय लाचार बनकर घूम रही है। कौन बन रही है, लाचार बनकर घूम रही है, रतन। और कानून पे कटाक्ष किया गया है, भारतीय कानून सिर्फ परिवार में विधवा के लिए अलग से कोई कानून नहीं है, उत्तराधिकारी अवश्य इसका कोई इसको अपराध नहीं माना गया। समझा होगी, ये मत समझो कि तुम्हारे पति के पीछे घर में तुम्हारा मान मान के साथ पालन होगा, अगर तुम्हारे पुरुष से कुछ तरका नहीं छोड़ा तो तुम अकेली रहो चाहे परिवार में, एक ही बात है, तो अपमान और मजबूरी से नहीं बच सकती। अगर तुम्हारे पुरुष ने कुछ छोड़ा है तो अकेले रहकर भी तुम भोग सकती हो, परिवार में रहकर तुम्हें से हाथ धोना पड़ेगा। परिवार तुम्हारे लिए फूलों की सेवनी, कांटों की छैया है, संघर्ष भरा जीवन है, तुम्हारा पार पाने वाली नौका नहीं है, तुम निकल जाने वाला जंतु। संध्या हो गई, गर्ज से भरी हुई फागुन की वायु चलने लगी, गर्ज धूल से भरी हुई, फागुन की वायु चलने वाली की आंखों में जोर झोंक रही थी, रतन चादर संभालते सड़क पर चली जा रही थी, रास्ते में कई परिचित दूसरे ने उसे टोका, कई ने अपनी मोटर रोक ली और उसे बैठने को कहा, पर रतन को उसकी सरलता पर उस समय बाण सी लग रही थी, सरलता जो लोग उसको बीच में पुकार रहे थे घर छोड़ के निकल गई रतन, और जो लोग बुला रहे थे टोक रहे थे उसको ऐसे वाणी ऐसे चुप रही थी जैसे कोई बाण चला रहा, वह तेजी से कदम उठाती हुई जाल पाके घर चली जा रही थी। आज उसका वास्तविक जीवन आरंभ हुआ था, वास्तविक जीवन कैसा था, विधवा जीवन, संघर्ष भरा जीवन, कठिन है भरा जीवन। ठीक 10 बजे जालपा और देवी दिन कचहरी पहुंचे, दूसरा अध्याय शुरू होता है, उसी समय अदालत में पेशी होने वाली थी कोर्ट के अंदर, और 10 बजे जालपा और जिसके घर पे रमानाथ रुका हुआ था देवी दिन कलकत्ते का वही बुड्ढा वहां पे पहुंच गए, देवी दिन और रतन कहां पहुंच गए, सॉरी जालपा कचहरी कोर्ट पहुंच गए। दर्शकों की काफी भीड़ थी, आपस में चर्चा नहीं करे भैया, ऊपर की गैलरी दर्शकों से भरी हुई थी, कितने ही आदमी बरामदा में और सामने के मैदान में खड़े थे, जालपा ऊपर गैलरी में जा बैठी, अदालत खचाखच भरा हुआ था, दर्शकों से ऊपर की गैलरी में जालपा भी दर्शक की बातें कर रही, कचहरी में अभी उनका फैसला सुनाया जाना बाकी था, जिन अपराधियों के विरुद्ध जिन लोगों के विरुद्ध रमानाथ झूठी गवाही दे रहा था उन 15 लोगों के फैसले का दिन था। देवी दिन बरामदे में खड़ा हो गया, इजलास पर जज साहब के एक तरफ अलमत था और दूसरी तरफ पुलिस के कई कर्मचारी खड़े थे, सामने कटघरे के बाद दोनों तरफ वकील खड़े मुकदमे सुनने का इंतजार कर रहे थे, मुजरिमों की संख्या मुजरिम अपराधियों की संख्या भी नहीं कह रहे, 15 से कम न थी, सब कटघरे के बंगले में जमीन पर बैठे हुए थे, सभी के हाथों में हथकड़ियां थी, घरों में भेड़िया, कोई लेटा था कोई बैठा था कोई आपस में बातें कर रहा था, दो पंजे लड़ा रहे थे मुजरिमों के बारे में अपराधियों के बारे में बात कर रहे थे, दो के विषय पर बात हो रही थी, सभी प्रसन्नचित थे, घबराहट निराशा या शोक का किसी के चेहरे पर चिन्ह भी न था, क्योंकि सब निर्दोष थे इसलिए घबराहट होना कोई एहसास भी नहीं था। 11 बजते अभियोग की पेशी हुई, पहले जापते की कुछ बातें हुई, फिर एक दो एक पुलिस के साथ हुई, अंत में 3 बजे रमानाथ गवाह के कटघरे में लाया गया, कटघरे कोर्ट के रूम के अंदर लाया गया रमानाथ, दर्शकों में सनसनी सी फैल गई, कोई तंबोली की दुकान से पान खाता हुआ भागा, किसी ने समाचार पत्र को मड़ोल कर जेब में रखा, सब इजलास के कमरे में जमा हो गए, इजलास दल चैंपियंस होते उस कमरे में जाकर जमा हो गए, जालपा भी संभल कर बारजे में खड़ी होगी, वह चाहती थी कि एक बार रमा की आंखें उड़ जाती तो उसे देख लेती, लेकिन रमा सिर्फ झुकाए खड़ा था, मानो वो इधर उधर देख कर डर रहा हो, उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, कुछ शर्मा हुआ कुछ घबराया हुआ इस तरह खड़ा था मानो किसी ने बांध रखा हो, भागने की कोई राह नहीं, जालपा कलेजा धक धक कर रहा था, मानो उसके भाग्य का निर्णय हो रहा था, किसके भाग्य का निर्णय होने वाला था, जालपा के भाग्य का निर्णय होने वाला था, अगर रमानाथ झूठी गवाही देती तो निर्दोष लोगों की हत्याओं का कारण बन जाएगा। रमा का बयान शुरू हुआ, पहले ही वाक्य सुनकर जालपा सिर उठी, दूसरे वाक्य ने उसके चेहरे पर मल डाल दी, तीसरे वाक्य ने उसके चेहरे का रंग पक कर दिया, चौथा वाक्य सुनते हुए लंबी सांस खींचकर पीछे रखी हुई कुर्सी पर टिक गई, मगर फिर दिन न माना, जंगले पर झुक कर फिर उधर कान लगा दिए, वही पुलिस की सिखाई हुई साधक थी, उसका हाथ से साधक यानी वही गवाही
वही देवी देन के मुंह से सुन चुकी थी, अदालत में सन्नाटा छाई हुआ था, झूठी गवाही दे दी, इसलिए अदालत में चुप्पी, एक चुप सन्नाटा। जालपा ने फिर कई बार खांसा कि शायद अब भी रमा की आंखें ऊपर उठ जाए, लेकिन रमा का सिर और झुकी हुई झुक गया, मालूम नहीं उसने जालपा के खांसने की आवाज पहचान ली, आंखों खिलाने का भाव उदय हो गया, उसका स्वर भी कुछ धीमा हो गया। एक महिला ने जो जालपा के साथ बैठी हुई थी नाक चिपड़ कर कहा, जीत जाता है इस दुष्ट को गोली मार दे। इस दुष्ट के लिए कहा जा रहा है, रमानाथ के लिए कहा जा रहा है, दुष्ट जो बिल्कुल निर्दोष लोगों को झूठी गवाही देके मुकदमे के अंदर फंसा रहा है। ऐसे ऐसे स्वार्थी भी सभा के देश में पड़े हैं जो नौकरी या थोड़े से धन के लोग में निरपराधों के गले पर छुरी फेरने पे नहीं हिचकते। जालपा ने कोई जवाब नहीं दिया। जालपा के पास बैठी थी उस महिला को ये पता नहीं था कि जो मेरे पास स्त्री बैठी है उसका पति ये दुष्ट, ऐसा उसको पता नहीं था, केवल उसने अपना वक्तव्य दिया। एक दूसरी महिला ने जो आंखों पर ऐनक लगाई हुई थी निराशा के भाव से कहा, सभा को देश का ईश्वरी मालिक गवर्नर ही तो लालक कहीं मिली नहीं जाती, अधिक से अधिक पे गलत हो जाएंगे, इसी उसी के लिए अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हैं। मालूम होता है कोई मन भूखा नहीं जाती है, पल्ले सिरे का कमीना और चिचोरा स्वार्थी पर चिचोरा आवारा के लिए कर रहा। तीसरी महिला ने ऐनक वाली देवी से मुस्कुरा कर पूछा, आदमी फेस्ट में ले और पढ़ा लिखा भी मालूम होता है, भला तुम इसे पा जाओ तो क्या करो। और जानती हो मैं क्या करूं, नहीं शायद गोली मार दूंगी, ना गोली ना मारो सरे बाजार खड़ा करके 500 जूते लगवाऊं, चांद गंजी हो जाए, 500 जूते मारूंगी सिर गंजा हो जाएगा, बात चांद सिर के लिए उस पर तुम्हें जरा भी दया ना आएगी, ये कुछ कम दया है उसकी साथ, पूरी सजा तो यही है कि उसे किसी ऊंची पहाड़ी से ढकेल दिया जाए, अगर ये मां से अमेरिका में होते तो जिंदा जला दिए जाते। अरे झूठी गवाही देने वालों के प्रति जो वैमनस्य की भावना है उसके बारे में कह रही है, दिलाने की भावना है। एक वृद्धा ने युवतियों का तिरस्कार करके कहा, क्यों मेरे पे मुंह खराब करती हो, वो घृणा के योग्य नहीं दया के योग्य है, देखती नहीं उसका चेहरा कैसा पीला पड़ गया है, जैसे कोई उसका गला दबाए हुए वो अपनी माँ या बहन को देख ले तो जरूर रो पड़े, आदमी दिल का बुरा नहीं है, पुलिस ने धमका कर उसे सीधा किया है। ये आखिर सच्ची बात हो गई कि आदमी बुरा नहीं है लेकिन पुलिस ने धमका कर उसको क्या किया है, सीधा मालूम होता है एक एक शब्द उसके हृदय को चीर चीर कर निकल रहा हूँ। ऐनक वाली महिला ने व्यंग्य किया, जब अपने पाँव में कांटा चुभता है सब बाहर निकलती है, पीड़ा तभी होती है जब अपने पाँव के अंदर कांटा चुभता है, दर्द एहसास होता है। जालपा अब वहां न ठहर सकी, एक एक बार चिंगारी की तरह उसके दिल पर भकोले डाले देती थी, ऐसा जीत जाता था कि इसी वक्त उठाकर कह दे ये मां से बिल्कुल झूठ बोल रहे, सरासर झूठ था, और इसी वक्त उसका सबूत दे दे, वो इस आवेश को पूरे बल से दबाई हुई थी, उसका मन उसकी कायरता पर उसे धिक्का रहा था, जालपा के मन में वो झूठ बर्दाश्त नहीं हुआ, बोलना चाहती थी क्यों इसी वक्त सारा वृत्तांत का सुनाई, वृत्तांत यानी घटना क्रम, पुलिस उसकी दुश्मन हो जाएगी, हो जाए कुछ तो अदालत को ख्याल होगा, कौन जाने इस गरीबों की जान बच जाए, जनता को तो मालूम हो जाएगा कि वो झूठी साधक है, गवाही झूठी है। उसके मुंह से एक बार आवाज निकलते निकलते लगी, परिणाम के भय से उसकी जबान पकड़ गई, आखिर उसने वहां से उठकर चले जाने में कुशल समझी, देवी दिनों से उत्तर एक बरामदे में चला और दया से समय सब बोला, क्या घर चलती हूँ बहू जी, जालपा ने आंसू के वेग को रोक कर कहा, मैं यहाँ अपनी बैठ हाँ यह आप नहीं बैठा जाता, आते के बाद निकल कर आते ग्राम देख लेकर आए। देवी दीन ने जालपा को सांत्वना देने के इरादे से कहा, पुलिस ने जिसे एक बार बूटी सुंगा दी उस पर किसी दूसरी चीज का असर नहीं हो सकता, पुलिस ने जिसको एक बार कुछ असर अपनी बातों के अंदर ला दिया, बूटी सुंगाना बातों में लाना, उसके ऊपर दूसरी किसी चीज का असर नहीं होगा। जालपा ने घृणा भाव से कहा, यह सब कायरों के लिए है। कुछ दूर दोनों चुपचाप चलते रहे, सहसा जालपा ने कहा, क्यों दादा अब और तो कहीं अपील नहीं होगी, कैदियों का ये फैसला हो जाएगा। देवी दीन का इस प्रश्न का आशय समझ के बोला, नहीं हाईकोर्ट में अपील हो सकती है। फिर कुछ दिन कुछ दूर तक दोनों चुपचाप चलते रहे, जालपा एक वृक्ष की छाया में खड़ी होगी, बोले दादा मेरा जी चाहता है आज जज साहब से मिलकर सारा हाल कर दो, शुरू से जो कुछ हुआ सबका सुनाओ, मैं सबूत दे दूंगी तब तो मानेंगे। देवी दीन ने आके पार कर कहा, जज साहब से, यानी जालपा के मन में उत्कंठा होगी, दाचारी बेचैनी दर्द हो गया कि झूठी गवाही के कारण उसकी पत्नी के झूठी गवाही के कारण है दोस्त लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए वो सच्चा जो वर्तमान घटनाक्रम है वो किसको जाके सुना दे, जिस साहब से जाके बता दे। जालपा ने उसकी आंखों से आंखें मिलाकर कहा, हाँ देवी दी ने दो ही जगह पढ़कर कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता बहू जी,
हाकिम का वास्ता न जाने चित पड़े या पट, यानी आपको जीत मिलेगी या हार मिलेगी, उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। जालपा बोले, क्या पुलिस वालों से ये नहीं कह सकता कि तुम्हारा गवाह बनाया हुआ है? कह तो सकता है, तो आज मैं उसे मिलो मिल तो लेता है। चलो दरियाफ्त करेंगे, यानी उसके ऊपर हाजिरी पेश करेंगे, दरख्वास्त करेंगे, अर्जी देंगे, लेकिन मामला जोखिम है, जोखिम भरा, खतरे भरा मामला है। चलो जोखिम है, बताओ भैया पर झूठी गवाही का इल्जाम लगाकर सजा दे तो भैया किसके लिए कह रहा है? वो सुमानाथ के लिए। झूठी गवाही का इल्जाम लगाकर सजा हो जाए तो क्या पता, तो कुछ नहीं, जो जैसा करे वैसा भोगे। देवी जी ने जाल पा के होकर कहा, एक दूसरा खटका है, सबसे बड़ी डर उसी का है। जालपा ने उद्धव भाव से पूछा, वो क्या देवी जी, पुलिस वाले बड़े काफर होते हैं, किसी का अपमान कर डाला तो उनकी दिल लगी है। जज साहब पुलिस कमिश्नर को बुलाकर ये सब हाल कहेंगे, जरूर कमिश्नर सोचेंगे कि औरत सारा खेल बिगाड़ रही है, उसी को गिरफ्तार कर लो। यानी ये भी हो सकता है कि सारी महिला खेल बिगाड़ रही है, उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जज अंग्रेज होता तो निडर होकर पुलिस की तबीयत करता, हमारे भाई तो ऐसे मुकदमों में चूक करते डरते हैं कि हमारे ऊपर ना भगवत का इल्जाम लग जाए। यही बात है जज साहब, पुलिस कमिश्नर से जरूर का सुनाओगे, फिर यह तो ना होगा कि मुकदमा उठा लिया जाए, ये होगा कि कले ही खुलना, भेज खुलना, ऐसे प्रकरण बना, कौन जाने तुम्हें को गिरफ्तार कर ले। ये भी हो सकता है कि कोई तुम्हें भी गिरफ्तार कर सकता है। कभी कभी जब गवाह बदलने लगता है या कले ही खोलने पर उतर हो जाता है तो पुलिस वाले उसके घर वालों को दबाते हैं, उसकी माया अपरंपार है, पुलिस वालों के भ्रष्टाचार के बारे में कह रहा है कि अपना मुकदमा जीतने के लिए वो कई तरह की करवटें बदलते रहते, चाल चलते रहते। जालपा सब मोटी अपनी गिरफ्तारी का उसे भय न था, लेकिन कई पुलिस वाले रमा पर अत्याचार न करें, इस भय से उसे कातर कर दिया। कातर करना घायल की तरह, डरा देने वाली बात। उसे इस समय ऐसी थकान महसूस हुई मानो सैकड़ों को उसकी मंजिल मार कर आई हो, उसका सारा उत्साह बर्फ के समान पिघल गया। जो साथ साथ उत्साह था वो किसकी तरह पिघल गया? बर्फ के समान। मन में जो भूख उठी हुई थी वो समाप्त होने लगी। कुछ दूर और आगे चलने के बाद उसने देवी जी से पूछा, हम तो उनसे मुलाकात ना हो सकेगी। देवी जी ने पूछा, भैया से? हाँ, किसी तरह नहीं, पारा और कड़ा कर दिया जाएगा, चाहे उसे बंगले को ही छोड़ दिया हो और अब उसे मुलाकात भी होगी तो क्या फायदा, आप किसी तरह अपना बयान नहीं बदल सकते, दरों गलती में फंस जाएंगे। कुछ दूर और चलकर जाल पाने का मैं सोचते हूँ, घर चले जाऊँ, यहाँ रहकर अब क्या करूंगी। देवी जी ने करुणा भरी आंखों से उसे देखकर कहा, नहीं वो अब मैं ना जाने दूंगा तुम्हारे बिना, ये अब हमारे यहाँ पल पर भी जीने लगेगा। बुढ़िया तो रो रो कर प्राण दे देगी, प्राण दे सब दे, प्राण प्राण तत्व सब दे, तत्सम क्या होगा, प्राण दे देगी। अभी यहाँ रहो, देखो क्या फैसला होता है। भैया को मैं कच्चे दिल का आदमी नहीं समझती, तुम लोगों की बिरादरी में सभी सरकारी नौकरी पर जान देते हैं, ये सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ जान न्योछावर कर देते हैं। मुझे तो कोई 100 रुपया भी तलब दे दे तो नौकरी ना करो, अपने रोजगार की बात ही दूसरी है, इसमें आदमी कभी थकता ही नहीं। नौकरी में जहाँ 5 से 6 घंटे के लिए टूटने लगती है, जमाई आने लगी, रास्ते में कोई बातचीत नहीं हुई, जालपा का मन अपने हार मानने के लिए किसी तरह राजी ना होता था, उपरास्त होकर भी दर्शक की भांति अभी ने देखने से संतुष्ट न हो सकती थी, बॉस अभी ने में सम्मिलित होने और अपना पार्ट खेलने के लिए विकल हो रही थी, परेशान हो रही थी। क्या एक बार फिर रमा को मुलाकात न होगी? उसके हृदय में उन जलते हुए शब्दों का एक सागर उमड़ा हुआ था, एक बार किसी तरह रमाना से मुलाकात हो जाए। जो वो उसे कहना चाहती थी उसे रमा जरा भी दया ना आती थी, उसने रति पर सहानुभूति न होती थी। वो उसे कहना चाहती थी, तुम्हारा धन और वैभव तुम्हारी तुम्हें मुबारक, जो जालपा उसे पैरों से ठुकराती है। धन संपदा वैभव तुम्हें को मुबारक, जालपा उसे क्या करती है, पैरों से ठुकराती है। तुम्हारे खून में रंगे हुए हाथों के स्पर्श में मेरी देह के छाले पड़ जाएंगे। जिसने धन और पद के लिए अपने आत्मा बेच दी, धन और पद के लिए क्या कर दिए, आत्मा बेच दी, ऐसा किसको कहना चाह रही हो? रमानाथ के लिए कह रही हो। उसे मैं मनुष्य नहीं समझती, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम पशु भी नहीं, तुम कायर हो, कायर कायर हो, कायर, ऐसा किसके लिए कह रही है? रमानाथ के लिए कह रही है। जिसने मनुष्यता बेच दी उसके लिए जालपा कह रही, तुम कायर है। जालपा का मुख मंडल तेज में हो गया, घरों से उसकी गर्दन तन गई। ये शायद समझते होंगे जालपा जिस वक्त मुझे जबरदार पगड़ी बांधे घोड़े पर सवार देखेगी, फूले न समाएगी। जालपा इतनी नीच नहीं है, तुम घोड़े पर नहीं आसमान में उड़ो, मेरी आंखों में हत्यारे हो।
जालपा कह रहे हैं कि मैं रमानाथ किसी दिन पगड़ी बांध कर आ जाएगा तो पुलिस ने समाज देगा, तब भी खुश होगी इस सरकारी नौकरी में देखकर। पुलिस ने उसको ये झांसा दिया था कि किसी दिन सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारे किसी ऐसे अच्छे पद पर देंगे और तुम झूठी गवाही दे दो। लेकिन जालपा उस झूठी गवाही से सरकारी नौकरी से और जैसे पद से कुछ खुश होने वाली नहीं थी। पूरे हत्यारे जिसने अपनी जान बचाने के लिए इतने आदमियों की गर्दन पर छुरी चलाई, मैंने चलते चलते समझाया था इसका कुछ असर न हुआ। तो इतने धन था लालची, इतने लोभी कोई हर्ज नहीं। जालपा अपने पालन और रक्षा के लिए तुम्हारी मोहताज नहीं। इतनी संतप्त भावनाओं में डूबी हुई जालपा घर पहुंची। एक महीना गुजर गया। जालपा कहां पे आई थी? प्रयाग से अपने कलकत्ता आई हुई थी। जालपा कई दिन तक बहुत विकल रही। उस घटना के बाद एक महीना बीत गया। बहुत दिनों तक जालपा परेशान रही कि उसका पति था रमानाथ इस तरह का हत्यारा निकला, निर्दोष निकला, पापी निकला, निर्दोष लोगों को फंसाने वाला अपराधी निकला। कई बार उन्माद सा हुआ कि अभी सारी कथा किसी पत्र में छपा दो, सारी कले खोल दो, सारा भेद रहस्य प्रकट कर दो, सारे अवय किले डाल दो, पर सभी उद्वेग शांत हो गए। आत्मा की गहराई से छिपी हुई कोई साक्षी उसकी जबान पर बंद कर देती थी। रमा को उसने हृदय से निकाल दिया था। उसके प्रति मुझे क्रोध न था, द्वेष न था, किसी प्रकार की ईर्ष्या घृणा भी नहीं थी। मन से बोल गई थी रमानाथ के लिए, दया भी ना थी, केवल उदासीनता थी। उसके मर जाने की सूचना पाकर भी शायद वह न रोती, उसे ईश्वरीय विधान की, यानी उसको अगर सूचना भी मिल जाती कि रमानाथ मर गया तो भी उसको रोती नहीं, क्योंकि उसने अपना पति मानने से इनकार कर दिया। एक लीला माया का वह निर्गुण हास्य क्रूर समझ कर थोड़ी देर के लिए दुखी हो जाती। पढ़ने का वो बंधन जो उसके गले में दो ढाई साल पहले पड़ा था टूट चुका था, पर उसका निशान बाकी था। रमा को उसके बीच में कई बार मोटर से अपने घर के सामने जाते देखा। उसकी आंखों से किसी को खोजती हुई मालूम होती थी। इन आंखों में कुछ लज्जा थी, कुछ समय याचना, पर जालपा ने कभी उसकी तरफ ना उठाई। यानी रमानाथ झूठी गवाही देने के बाद कई बार उनके घर के आगे से गुजरा, लेकिन जालपा ने उसकी तरफ कभी देखा भी नहीं। उसकी आंखें झुकी हुई थी अपराधी जैसी आंखें, क्षमा याचना कर रहा था, लेकिन जालपा ने उसकी ओर कोई ध्यान भी नहीं दिया। वह शायद इस वक्त आकर उसके पैरों पर पड़ता तो वो उसकी ओर में ताकती। रमा की इस घृणित कायरता और मान स्वार्थपरता ने जालपा के हृदय को मानो चीर डाला था। फिर भी इस प्रणय बंधन का निशान अभी बना हुआ था। रमा की वो प्रेम प्रियल मूर्ति जिसे देखकर एक दिन वो गदगद हो जाती थी। कभी कभी उसके हृदय में छाए हुए अंधेरे में छीन मलिन निरंजन ज्योत्सना की भांति प्रवेश करती थी और एक क्षण के लिए वो स्मृतियां विलाप पर उठती। फिर उसी अंधकार और निरवता का पर्दा पड़ जाता जिसके लिए भविष्य की मृदु स्मृतियां न थी, केवल कठोर नीरस वर्तमान विकराल रूप से खड़ा होकर घूर रहा था। वह जालपा को अपने घर बार बार पर मान लिया करती थी। अब सेवा त्याग और सहिष्णुता की मूर्ति थी। जग को मना करती थी पर वह मुंह अंधेरे सारे घर में झाड़ू लगाती थी, यानी घर के अंदर काम करने के बारे में बता रही। चौका बर्तन कर डालती, आटा गूंद कर रख देती, चूल्हा जला देती, तब बुढ़िया का काम किया रोटियां सेकना। छूत विचार को भी उसने ताक पर रख दिया, छुआछूत भेदभाव को उसने हटा दिया था। बुढ़िया उसे ठेल ठाल कर रसोई में ले जाती और कुछ न कुछ खिला देती। दोनों में माँ बेटी का सब प्रेम हो गया था। बुढ़िया कौन सी? वो देवी देन की पत्नी। क्या नाम था उसका? जग्गो। देवी देन की पत्नी जग्गो और जालपा में आपस में पुत्रवत माँ बेटी जैसा प्रेम हो गया था। कैसा प्रेम हो गया था? माँ बेटी, और उसके घर के काम में भी वो हाथ बटा देते थे। मुकदमे के सब कार्य समाप्त हो चुके थे। दोनों पक्ष के वकील सब वकीलों की बहस हो चुकी थी। केवल फैसला सुनाना बाकी था। आज उसकी तारीख थी। आज बड़े सवेरे घर के काम पत्रों से कर जाल पर दैनिक पत्र वालों के आवाज पर काम लगे बैठी थी। मानो आज उसी का भाग्य निर्णय होने वाला है। इतने में देवी दीन ने पत्र लाकर उसके सामने रख दिया। जालपा पत्र पर टूट पड़ी और फैसला पढ़ने लगी। फैसला क्या था? यानी जिन बंदियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ झूठी गवाही हत्या मुकदमे की गवाह दे रहा था, उसका फैसला आज अदालत में सुनाया जाना था। और उस फैसले का पत्र आया समाचार पत्र में खबर। एक ख्याल कहानी थी जिसका प्रधान नायक रमा था। जज ने बार बार उसकी प्रशंसा की थी। सारा अभियोग उसी के बयान पर अवलंबित था। देवी दीन ने पूछा, फैसला छपा है? जालपा ने पत्र पढ़ते हुए कहा, हाँ है। तो किसकी सजा हुई है? कोई नहीं छूटा। एक को फांसी की सजा मिली, पांच को 10-10 साल, आठ को 15 साल। उसे दिनेश को फांसी हुई।
ये कहकर उसने समाचार पत्र रख दिया और एक लंबी सांस लेकर बोली, इन बेचारों के बाल बच्चों को पता जाने क्या हाल होगा। देवीदेव ने तत्परता से कहा, तुमने जिस दिन मुझसे कहा था उसी दिन से मैं इन सबको पता लगा रहा हूँ। यानी जिन जिन अपराधियों की सजा हुई है उन्होंने अपराधियों के बारे में देवी जी ने क्या कर लिया है, पता कर लिया है कि घर के बारे में बाल बच्चों के बारे में। आठ आदमी को तो कभी अभी तक ब्याह नहीं हुआ है, जो अपराधी जिनको साबित किया रमानाथ की गवाही के कारण उसमें से आठ की कभी तक शादी भी नहीं हुई, और उनके घरवाले मजे में, किसी बात की तकलीफ नहीं। पांच आदमियों का विवाह तो हो गया है पर घर के खुश है। आज पांच बारह आदमियों के घरवाले खुश है। किसी के घर रोजगार होता है तो कोई जमींदार है, किसी के बाप सच्चा नौकर है, तो कई आदमियों से पूछा है, यहाँ को चंदा भी किया गया है। अगर उनके घरवाले देना चाहे तो दिया जाएगा। खाली दिनेश सभा है, दो छोटे बच्चे हैं, बुढ़िया माँ और केवल परेशान कौन है, दिनेश नाम का एक अपराधी जो केवल धर्मानाथ की झूठी गवाही कारण फंसा है। यहाँ किसी स्कूल में मास्टर था, एक मकान किराए लेकर रहता था, उसकी खराबी है। जालपा ने पूछा, उसके घर का पता लगा सकते हो? हाँ, उसका पता कौन मुश्किल है। जालपा ने याचना भाव से कहा, तो कब चलोगे? भैया के भाव से कहा, याचना पुकार करने के लिए कहा, उसका पता करने के लिए कब चलोगे? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अभी तो वक्त है, चलो जरा देखें। देवी दीन ने आपत्ति करके कहा, पहले मैं देख तो आऊं, इस तरह उठकर ले मेरे साथ क्या कहां का दौड़ती फिरोगी? जालपा ने मन को दबाकर लाचारी से दबा दिया, तो कुछ न बोली। समय तो वही रहता है, कब बंद होता है? देवी दीन चला गया टाइम में, वही तो रहता है, रुकता तो नहीं है, समय को कोई कोई टाइम तो हमारे कैसे इसका टाइम बना है। जालपा फिर समाचार पत्र देखने लगी और उसका ध्यान दिनेश की ओर लगा हुआ था। बेचारा फांसी पर जाएगा, जिसने उसने फांसी का हुक्म सुना होगा उसकी क्या दशा हुई होगी, उसकी बुढ़ी माँ स्त्री का ये खबर सुनकर छाती पीटने लगी। बेचारा स्कूल मास्टर था, मुश्किल से रोटियां चलती होगी, और क्या सारा होगा। उसकी विपत्ति की कल्पना करके उसके रमा के प्रति घृणा हुई कि उदासीन ना रह सके। उसके मन में ऐसा उदय उठा कि इस वक्त वो जाए तो ऐसा धिक्कारों की वो याद करे। तुम मनुष्य हो, कभी कभी नहीं मनुष्य के रूप में राक्षस हो, राक्षस। रमानाथ कहना चाहते तुम मनुष्य नहीं हो बल्कि मनुष्य के रूप में क्या हो, राक्षस हो, राक्षस। तुम इतने नीच हो कि इसको प्रकट करने के लिए कोई शब्द नहीं है। तुम इतने नीच हो कि आज कमीने से कमीना आदमी भी तुम्हारे ऊपर झुक रहा है। तुम्हें किसी ने पहले ही क्यों ना मार डाला, इन आदमियों की जान तो जाती पर तुम्हारे मुंह में तो कालिक न लगती, कालिक तुम्हारा मुंह काला तो नहीं होता। तुम्हारा इतना बदल कैसे हुआ, जिसका पिता इतना सच्चा ईमानदार तो वह इतना लोभी इतना कायर। रमानाथ के लिए कहना चाहते जिसका पिता इतना ईमानदार था, इतना सच्चा आदमी था, तो तू इतने लोभी और कायर कैसे हो गए? शाम हो गई पर देवी दीन ना आया। जालपा बार बार खिड़की पर खड़ी होकर देख इधर उधर देखती रही पर देवी दीन का पता ना था। धीरे धीरे आठ बज गई और देवी ने लौटा सच्चा एक मोटर द्वार पर आकर रुकी और रमा ने उतरकर जगो से पूछा, सब कुछ मंग लेना दादी, दादा कहाँ गए? रमानाथ आ गया घर पे। जगो ने एक बार उसकी ओर देखा और मुंह फेर लिया, केवल इतना बोली, कहीं गए होंगे और मैं जानती। रमा ने सोने की चार चूड़ियां जेब से निकालकर जगो के पैरों पर रख दी और बोला, ये तुम्हारे लिए लाया हूं दादी, पैरों ढीली तो नहीं है? जगो ने चूड़ियां उठाकर जमीन पर पटक दी और आंखें निकाल कर बोली, जा इतना पाप समझ सकता है, वह चार चूड़ियों की जगह नहीं है। इन्हें स्वाभिमान जिंदा है, आज भी ईमानदारी जिंदा है उस बुढ़िया के अंदर भी। वो कहती है कि जा इतना चूड़ियों की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, फेंक दिया कि जिसके अंदर इतना पाप समझ सकता है उसके लिए चार चूड़ियों के लिए जगह नहीं है। भगवान की दया से बहुत चूड़ियां पहन चुकी है और अब से शेर दो से सोना पड़ा होगा, शेर 40 किलो भी नहीं कहता। लेकिन जो खाया पाना उसकी मेहनत की कमाई से किसी का गला नहीं दबाया, पाप की गलती से पर नहीं डाली, नियत नहीं बिगाड़ी, उसी कोख में आग लगे जिसने तुम जैसे कपूत जन्म दिया, उसकी कोख के अंदर गर्भ के अंदर भी आग लग जाए जिसने तुम्हारे जैसे कपूत को जन्म दिया। ये पाप की कमाई लेकर तुम बहू को देने आए हो, समझते होंगे तुम्हारे रुपयों की थैली देकर वो लट्टू हो जाएगी, लट्टू कायल हो जाएगी।
इतने दिन उसके साथ रहकर भी तुम्हारी लोभी आंखों से उसे न पहचान सकी, तुम जैसे राक्षस उस देवी के जोग न थे। अगर अपनी कुशल चाहते हो तो उन्हीं के पैरों में जहां से जाए हो वही लौट जाओ। उसके सामने जाकर अपनी क्या पानी उतरवाओगी? पानी उतरवाना संबिन की होना रचित होना। तुम आज पुलिस के हाथों जख्मी होकर मार खाकर आए हो, तुम्हें सजा होगी, तुम जेल में डाल दिए गए हो। होते जो तुम बहुत तुम्हारी पूजा करती, तुम्हारे चरण धोकर पीती, बहुत औरतों में जो चाहे मजदूरी करे, उपवास करे, उपवास नहीं उपवास फटे चले पहने पर किसी की बुराई नहीं देख सकती। अगर तुम मेरे लड़के होते तो मैं तुम्हें जहर दे देती, क्या कि स्वाभिमानी। क्यों खड़े मुझे जला रहे हो? चले क्यों नहीं जाते? मैंने तुमसे कुछ ले तो नहीं लिया है? होता रहता है।